मौजूद हफ्तान मेरे मौतों बुजुर्ग को दोस्त हैं। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे वालिद और वालदा मोहतरम के साथ भी शादी की सालगिरह पे आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इत्तेफाक की बात है कि इलेक्शन का माहौल है और ये एक दिन भी इसी बीच में आ गया। ऐसे तो हमारे वालिद साहब ना कभी जन्मदिन मनाते हैं ना शादी की सालगिरह मनाते हैं। किसी ने गलती से बच्चों ने कभी केक काट दिया तो कहते हैं कभी ये हमारे रिवाज नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि कितनी कड़क तेज तर्रार उनके जो है अपना मिजाज है। आज भी उनकी सेहत नासाज है मगर आवाज में बिजली वैसी ही है। आप लोगों का दुआ आप लोगों की दुआओं का असर है कि आज से 10-12 साल पहले वालिद साहब की काफी बड़ी सर्जरी जो दिमाग में फूट जाता है ये अल्लाह ताला की परेशान है कि एक तरफ से तो पूरा 100% 10 साल पहले बंद हो चुका है और दूसरी तरफ का 95% बंद था मगर उसके बावजूद उनको यहाँ से अमेरिका में ले गया और एक तरफ की ही हम उसकी सर्जरी कर पाए। अब 10-12 साल के बाद अभी फिर पिछले महीने तकरीबन 20-25 रोज अस्पताल में थे। बहुत ही सीरियस थे, हम सब लोग काफी डर गए थे मगर अल्लाह ताला की शान है कि अभी चलते हैं। कुछ लोगों को पहचान लेते हैं कुछ लोगों को नहीं पहचानते हैं। थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो गई उनके दिमाग में खून अभी उनका सिर्फ 30% ही जाता है मगर अल्लाह की शान है कि चल रहे हैं। आवाज मेरी धमाका वैसी ही है और वालदा मोहतरम जो है हमारी वो तो आप लोगों के सामने है। हम भी जल्दी से आज की बात नहीं करते तो पता नहीं किस वक्त मिजाज जो है कैसे हो जाए मगर बाइंदा वालिद और वालदैन में से ही सब कुछ बच्चों में भी आता है तो मेरे भी मिजाज में कुछ ऐसी ही बात आई है। तो अक्सर लोग मेरे ताल्लुक से यही कहते हैं बहुत खड़ूस है मिलता नहीं है लोगों को गुस्से में रहता है नाराज हो जाता है। तो भाइयों मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मैं किसी से नाराज नहीं होता। मोहब्बत करने के लिए भी वक्त नहीं नाराजगी और दुश्मनी मैं कहां से पाती सिर्फ इतना है कि मेरा अपना एक काम करने का तरीका है। आपने भी देखा कि बचपन से वालिद साहब के साथ उम्र के 10 साल से मैं काम कर रहा हूं और मैं 53 साल का मतलब 53 साल में 43 साल से मैं काम कर रहा हूं 43 सालों से। आपने देखा कि आईएएस आईपीएस और ब्यूरोक्रेटिक लोगों के साथ क्योंकि बचपन से रहे तो काम करने का एक अपना मिजाज हमारा बना हुआ है कि जो काम करना है उसे सिस्टमेटिक करना है कायदे से करना है तरकीब से करना है वक्त से करना है। अल्लाह ताला ने भी 5 वक्त की नमाज का वक्त मुकर्रर किया और जो इंसान वक्त की कदर नहीं करे वक्त उसकी कदर नहीं करता। तो जब अक्सर लोग मुझसे मिलते हैं मैं मस्जिद के बाहर जब भी जुमा पढ़ के खड़े रहता हूँ 5-10-15 मिनट खड़े रहता हूँ लोग मिलते हैं लोग उससे कहते हैं कि भाई मिलना है तो मैं कहता हूँ सवेरे 9, 9:30, 10 बजे आप आ जाइए। मगर आज तक जितने हजरात ने मुझसे मस्जिद के बाहर पूछा आज तक उसमें से एक भी हजरात सवेरे 9, 9:30 बजे मुझसे मिले नहीं आए और फिर कहते भाई हम आए थे मिलने तो मैं पूछता हूँ किस वक्त आए थे भाई 1:30 बजे मैं जा रहा था आपके घर के बाहर से तब मैंने पूछा कि आप हैं क्या। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मैं सवेरे 5 बजे भी अगर सो जाऊं तो सवेरे 6:30-6 बजे मैं उठता ही उठता हूँ फिर दिन भर मैं सोता नहीं। पिछले 3 साल मेरी भी 3 सर्जरी हो गई स्पाइन की 18 महीने अस्पताल और बेड पे रहा और जब मैं
बेड पे था, अस्पताल में था, हजारों लोग उससे मिलने आते थे, उस वक्त भी लोगों से मैं बाकायदा मिलता रहा। शाम में 5 से लेकर 7 बजे 8 महीने बेड पे था, लेकिन लोगों से मिलना बंद नहीं किया। उसके बावजूद भी लोग कहते थे भाई आप मिलते नहीं, तो मेरा मिलने का वक्त मुकर्रर है सवेरे, और जब जब मैं घर पर हूं तब तब मैं मिलता हूं। तो वह उस वक्त मैं जब अस्पताल और घर में था, लोग मुझसे आके कहते थे, शिकायत करते थे कि भाई आपने शहर को लावारिस छोड़ दिया है, आपने शहर पे से नजर हटा दी, और इसी वजह से अरे वो सारे उलमाओं को यहां ले लीजिए, वहां यहां यहां ले लीजिए अकबर भाई, और इसी वजह से शहर का जो हाल है ये बहुत बुरा हो चुका है। शहर में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोगों के ऊपर अन्याय बढ़ गया है, तो आपको आने वाले वक्त में फिर से एक बड़ा शहर की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, और शहर को ये जो हालात से शहर गुजर रहा है इसे बचाना पड़ेगा। इत्तेफाक ये हुआ कि अब ये असेंबली का चुनाव आ गया, और उसी बीच में आज का ये दिन आ गया। तो हमने हमारे वालदा से, वालिद साहब से तो गुजारिश आज भी नहीं कर सकते, वालदा से गुजारिश की और कहा कि भाई आप कम से कम रहिएगा, लोग जो है दुआएं देंगे, मिलेंगे आपसे, और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो जाएगी, ख्याल का इजहार हो जाएगा। तो ये आज का दिन, ये तकरीर कोई सियासी नहीं और कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा ही साथ दो, मगर मैं गुजारिश तो जरूर करूंगा कि जो कुछ भी हमारे खानदान ने किया, वालिद ने किया, वालदा ने किया, या रशीद भाई सुनमर बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इस बहरनगर में शुरुआती ये दौर से 1960-70-80 के दशक से इसमें यहाँ पर साथ में रहे हैं, कई नया नगर के ब्लॉक होल्डर्स लोग रहे हैं, उन्होंने हालात देखे थे। 30-35-40 साल हमको दो पीढ़ी को लग गई, मतलब मेरे वालिद साहब की पूरी जिंदगी, वालदा की पूरी जिंदगी, और उसके बाद मेरे पूरे 43 साल, तब जाकर के ये शहर एक शहर बना है। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया था कि एक वीरान जमीन महानगर कैसे बनी। नए लोग शहर में आए हैं 5-10-15 सालों में, नए बच्चे नौजवान लोग हैं, उनको इस शहर की हकीकत के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या जद्दोजहद, क्या मुश्किलों का सामना हम लोगों ने किया है, और सिर्फ किया नहीं है, आज भी करते हैं। आज भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि गुजराती अखबार में, मराठी अखबार में लिख के आया करता था कि नया नगर से उग्रवादी टेररिस्ट पकड़े गए, मैं जाकर के उन एडिटर्स से लड़ा करता था, पुलिस डिपार्टमेंट से डिटेल लिया करता था कि आज तक के नए नगर से कितने टेररिस्ट आपने पकड़े हैं, मुझे लिखित रूप से दीजिए, और वो लिया करके एडिटर्स को मैं बताया करता था कि ये पुलिस का रिकॉर्ड है और यहां से एक भी इंसान इस तरह का पकड़ा नहीं गया, मगर क्योंकि ये आम बात हो गई है कि जहां भी मुस्लिम हल्का होता है वहां पर मीडिया, प्रशासन टेररिस्ट के नाम से उसको लाल सर्कल बना देते हैं। आप में से कई लोगों को पता है कि कई बॉम्बे के हादसे के बाद हम लोगों ने खुद ने 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हम लोगों ने खुद ने पूरे शहर के अंदर घर घर जाकर के लोगों से मालूमात ली, और उसी बात से खुश होकर के उस वक्त के एटीएस के चीफ जिनको जिन्होंने अपनी जान गंवाई बीटी के हादसे में,
जहां पे टेररिस्ट लोगों ने हमला किया था, वो खुद यहां पर आए। जो हर साल हम एक इफ्तार की पार्टी रखते हैं, दावत रखते हैं उसमें, और लोगों की आकर के उन्होंने वहां पे मुबारकबाद पेश करी कि हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है जहां पे इस तरह की हरकतें नहीं होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे सरकार किसी की भी थी, मगर ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार जद्दोजहद हम करते आए हैं, बंद उठी रखे करते आए हैं, नाके पे बैठ के चाय पी करके शेखी पकाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। हमारे दोस्त कहते हैं कॉर्पोरेटर लोग सब मुझे, अरे भाई मुस्लिम एरिया है, आना चाहिए आपको, कुणाल के नाके पे बैठना चाहिए, रात को लोगों के साथ चाय पीना चाहिए, वहां बैठ के गप्पे लगाना चाहिए। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, हम पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए कि हम कोई कॉर्पोरेटर बने, डिप्टी मेयर बने, एमएलए बने या मंत्री बने, हम अपनी कौम की हिफाजत के लिए आए, और वो हिफाजत करना हमारा फर्ज है, और वो करने की हमने कोशिश करी, और उसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है, उसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो करते हो कौम के लिए उसका सिला देने वाला रब्बुल आलमीन है। मैं ये चुनाव मैं जानता हूं महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और क्या होगा। मैं कोई एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं कोई एमएलए लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मगर इस शहर में जो ज्यादती हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे कोई जाति बुखार नहीं है, ना मेरे खानदान का है, ना मेरी वालदा का है, ना मेरे वालिद साहब का है। हम बंद मुट्ठी काम करते हैं, दिखा करके तमाशा या उसकी नुमाइश हमसे कभी नहीं। हजारों लोगों की मदद हर सीमा पे हम करते आए हैं, चाहे तालीम हो, चाहे अस्पताल का हो, हेल्थ का हो, पुलिस का हो, शादी ब्याह का हो, तलाक का हो, घर के मसले हो, चाहे कहीं के भी हो, सिर्फ मीरा रोड में नहीं तो पूरे मुल्क में जहां भी अल्लाह ताला ने हमारी आवाज की ताकत रखी है वहां करके हम लोग मदद करते हैं। मगर दुनिया में एक दस्तूर बन गया है, नाखून कटा के शहीदों के नाम लिखाना, तो हर लोगों को यह लगता है कि बस इसी तरह से करना चाहिए, मगर मैं अपने काम पर अपने तरीके से मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूं, कौम की खिदमत कर रहा हूं, दीन की खिदमत कर रहा हूं। जितना अल्लाह ताला मुझसे काम लेना चाहता है उतना मैं कर रहा हूं, जितना मेरे खानदान से, बहन से, वालदा से, वालिद साहब से, हमारे वालिद साहब का पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही जबरदस्त ताल्लुका है, यहां पे बैठे हुए कई लोग जानते हैं, आज भी उनके पास कई लोग आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के खुद लोग आते हैं कि भाई नजर साहब फोन करके हमारा ट्रांसफर करा दीजिए, लोग आते हैं कि हमारे ये मसले हो गए हैं ये हल कर दीजिए, पूरे महाराष्ट्र भर में वो आज भी फोन करके लोगों के काम करते हैं, मगर कहीं फोटो तकरीर टीवी में न्यूज आज तक कभी नहीं, क्योंकि हमारे खानदान ने और हमने हमारे वालिद वालदान से यही सीखा है कि नेकी कर और भूल जाओ, उसका सिला अल्लाह ताला देगा। ये जो बस्ती, ये जो शहर बसा है, यहाँ पर जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आए, रहने के लिए आए,
ये सुकून से रहते हैं, इबादत कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, फल फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इससे बड़ी अल्लाह की शान दूसरी क्या हो सकती है। तो आने वाले 21 तारीख को, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूं, वालदा का सालगिरह का जलसा है, मगर मैंने सारा वक्त उनसे चुरा लिया है। बेटा हूं, वारसदार हूं, इसका हर चीज वारस में मुझे ही मिला है। अब बहन बैठी है बाजू में, तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे मदद कीजिए, इस लड़ाई में मदद कीजिए, इस लड़ाई में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ की लड़ाई में मुझे साथ दीजिए। आने वाले 21 अक्टूबर को मुझे इस चिन्ह के ऊपर बटन दबा करके जरूर मदद कीजिए। हमारे लोग वोटिंग डालने में बहुत पीछे रहते हैं। घर से निकलेंगे, 17 आई कार्ड में से कोई भी एक आई कार्ड आप ले जा सकते हैं, मगर भाई लोग ले जाएंगे नहीं, फिर गेट से सेंटर से बूथ से वापस आएंगे और फिर वापस जाते नहीं। हमारी माँ बहने भी अपने साथ में सही आइडेंटिफिकेशन लेके जाते नहीं। वोटर स्लिप्स आपके घर तक पहुंच जाती है, मगर वो घर पर छोड़ के आ जाते हैं। हमारे 100 लोग खड़े हो जाते हैं तो लोगों को लगता है बहुत लोग खड़े हो गए हैं, और इस वजह से दिन भर बीत जाता है। नाश्ते के बाद जाएंगे, खाने के बाद जाएंगे, अभी दोपहर में सोने के बाद जाएंगे, अभी शाम के चाय पीने के बाद जाएंगे, और जब हजरात पहुंचते हैं तो सेंटर बंद हो चुका होता है। तो मेरी उलमाओं से गुजारिश है कि आप जो है लोगों से इस पर जरूर बयान करें और कहें कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में वोटिंग आपका हक है, अधिकार है, सरकार चुनने का, आपका नुमाइंदा चुनने का, उस हक को आप बजाएं। आने वाले 21 अक्टूबर को सवेरे से लेकर शाम तक इलेक्शन का वक्त है। मेहरबानी करके जुमा, शनिचर, इतवार और पीर 4 दिन छुट्टी है, इसमें मार्केटर और महाबलेश्वर पर जाइएगा। कभी इत्तेफाक से मैं अभी 3-4 साल से तो मैं गया नहीं अपनी बीमारी की वजह से, मगर जब भी महाबलेश्वर गया हूं तो मीरा रोड में 100 लोग मिले हैं, अजमेर शरीफ गया हूं तो वहां पे लोग मिले हैं, खाजा साहब के दरबार में दुआ कीजिए, हाथ उठा के दुआ कीजिए, अल्लाह ताला के दरबार में उसके रब्बुल आलमीन के पास दुआ कीजिए। ये मेरी लड़ाई सिर्फ आपकी दुआओं से जीती जा सकती है, वोटों से नहीं। शुक्रिया।
Thank you.